नमस्कार प्रिय साथियों, मैं गंगाराम। आज का हमारा टाइटल है, कौन सी ऐसी चार परिस्थितियां हैं जीवन में जिनमें बिना जन्म पत्रिका, बिना हस्तरेखा दिखाए मूंगा रत्न धारण कर लेना चाहिए। आखिरकार कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो स्पष्ट बताती हैं कि आपका मंगल ग्रह कमजोर अवस्था में है, मंगल आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहा। किस देश का मूंगा सबसे अच्छा होता है और मूंगा रत्न के विषय में जो तमाम तरह की आवश्यक बातें हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। नंबर एक, रक्त विकार होने पर लगातार आपको ब्लड में इन्फेक्शन है। ब्लड इन्फेक्शन के कारण टाइफाइड, एलर्जी जैसी तमाम तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है, या रुक रुक कर आपको ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, रुक रुक कर आपको एलर्जी हो जाती है, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का 11 रत्ती का मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आपका व्यवसाय होटल से संबंधित है, आपका होटल व्यवसाय है, या आपका व्यवसाय भूमि संबंधित है, ज़मीन से संबंधित आप काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, ज़मीन को खरीदते बेचते हैं, इस तरह का आपका कार्य है, तो भी आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। भूमि संबंधित व्यवसाय में लगातार अड़चने आने पर, भूमि संबंधी व्यवसाय में लगातार कामों के बिगड़ने पर, सौदा हो गया आपका और बार बार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, आपके हाथ तक रोटी पहुंच गई लेकिन मुंह तक नहीं जा पाती, कोई और छीन कर ले जाता है, इस प्रकार का आप व्यापार में महसूस करते हैं, तो भूमि और होटल के व्यवसाय में आपको मूंगा रत्न अच्छा खासा लाभ करेगा। नंबर तीन, प्रिय साथियों, भाइयों से मतभेद होने पर और भाइयों से लगातार मतभेद होने पर भी व्यक्ति को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के भाई लगातार बीमार रहते हैं, लगातार उनकी जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय रहती है, दया के पात्र हैं एक तरह से, उनके काम बिगड़ते ही रहते हैं, टेंशन तनाव में रहते हैं, उस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने पर, कॉम्पिटेंट लेवल कमज़ोर आपका पड़ जाता है, लगातार आपकी हिम्मत टूट जाती है, बार बार संघर्ष करने की, स्ट्रगल करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो भी आपको मूंगा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न मंगलवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के एक घंटे बाद तक मंगल की होरा में ही धारण करना शुभ रहता है। मूंगा रत्न ये रिंग फिंगर में यानी कि अनामिका उंगली में धारण करना शुभ रहता है। मूंगा रत्न तांबे की अंगूठी में ही धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न धारण करने के उपरांत अति क्रोध की स्थिति से व्यक्ति को बचना चाहिए। प्रिय साथियों, इस दुनिया में सबसे बेहतर जो मूंगा आता है वह आता है इटालियन मूंगा, जो व्यवहार में है सबसे ज़्यादा, जिसकी बिक्री होती है। कोशिश करें इटालियन मूंगा आप धारण करें। इटालियन मूंगा आप धारण नहीं कर पा रहे हैं तो जापानीज मूंगा या इंडियन मूंगा इसका विकल्प हो सकता है। मूंगे की कीमत आमतौर पर 250 रुपये कैरेट से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 1500 रुपये कैरेट तक चली जाती है। लमसम 250 रुपये कैरेट से 1500 रुपये कैरेट के बीच में ही मूंगा रहता है, इससे ऊपर मूंगा आमतौर पर नहीं जाता। मैं कामना करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। गाइज, मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।